हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक इट एंड कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो का नाम है टिपिकल वर्ड्स। तो टिपिकल वर्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या आपको कर्नल की स्पेलिंग आप बोल सकते हैं कि क्या होगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल एकदम इजी है, आप बोलेंगे COURNEL, यही होगी ना कर्नल की स्पेलिंग। मैं आपसे नेक्स्ट स्पेलिंग पूछती हूँ लेफ्टिनेंट की, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होगी? तो आप बोलेंगे मैम ये क्या क्वेश्चन कर रही है, एकदम इजी स्पेलिंग होगी LEFTINENT। आप इसी तरीके से कुछ लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग राइट करेंगे। तो क्या फ्रेंड्स ये सही है क्या स्पेलिंग से ये? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड्स ये दोनों ही स्पेलिंग, आई एम वेरी मच सॉरी टू से, ये दोनों ही स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। और मुझे मालूम है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, एटलीस्ट 90-95% स्टूडेंट्स की इस तरीके की स्पेलिंग राइटिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उनको अभी तक ये बताया ही नहीं जाता कि ये स्पेलिंग किस तरीके से फॉर्म होती है, या इनके बोलने का ढंग, इट मीन प्रोनाउंसिएशन और इनकी स्पेलिंग दोनों में ही अंतर होता है। तो इसी तरीके की कुछ स्पेलिंग्स मैं आपको लेकर आई हूं उस पर बेस्ड। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है इसी पर बेस्ड है, और आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है टिपिकल स्पेलिंग्स, यानी कि हार्ड स्पेलिंग, कठिन स्पेलिंग्स कैसे होती है। स्पेलिंग्स लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर देन स्पेलिंग्स है, और ये तो केवल एक पार्ट है, मैं इसकी पूरी एक सीरीज आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है कोलोनल। कोलोनल क्या होता है, कुछ होता है क्या फ्रेंड्स? ये स्पेलिंग जो है ना वो कर्नल की स्पेलिंग है। तो अभी तक जो आप कर्नल की स्पेलिंग समझ रहे थे, उस स्पेलिंग और इस स्पेलिंग में जमीन आसमान का अंतर है। कर्नल बोलने में कर्नल है, लेकिन जिसकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएट होती है वो कोलोनल से होती है, COLONEL। और नेक्स्ट स्पेलिंग अब हम देखते हैं, ये कौन सी है, लिंसी टेनेंट, इसी तरीके से कुछ बनी ना फ्रेंड्स? ये कुछ भी नहीं है, ये हमारी लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है, आप देख सकते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि लेफ्टिनेंट बोलने में कैसा और लिखने में कैसा है? बिल्कुल जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है, जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं है। ये जो सेम जो सेइंग है ना वो इस पर लागू होती है, किस पर, लेफ्टिनेंट पर भी लागू होती है। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या है, LEUTENANT, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है, जो बिल्कुल नहीं बन सकती, आपको केवल इसको ध्यान से लर्न करना ही होगा। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं इसी सीरीज में, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की स्पेलिंग यदि आप देखते हैं तो S से शुरू होनी चाहिए, लेकिन स्पेलिंग शुरू कहां से हो रही है, P से शुरू हो रही है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। एटलीस्ट लॉजी की स्पेलिंग तो बन रही है, लेकिन आगे की जो स्पेलिंग है जिससे हमारा वर्ड स्टार्ट हुआ है उसकी स्पेलिंग नहीं बनती है। तो ये इसी तरीके के कुछ टिपिकल वर्ड्स है जिनको बहुत ही आपको ध्यान से देखना है। यदि आप ये वर्ड्स को लिखना सीख जाते हैं तो इंग्लिश में आपकी मिस्टेक है, आई एम वेरी मच कंफर्म टू से दैट, यदि आप ये वर्ड्स लिख लेते हैं तो आपकी जो 85% मिस्टेक्स होती है वो रिड्यूस हो जाएंगी, अपने आप ही फिनिश हो जाएंगी। नेक्स्ट अब आप देखिए फिनोमिना, फिनोमिना बोलिए या फिनोमिन बोलिए, अब आप मुझे बताइए फिनोमिना की स्पेलिंग या फिनोमिन की स्पेलिंग ये कहीं से फॉर्म होती है? एक्चुअली यदि स्पेलिंग बनाने तो कैसे बनेगी, फिनोमेनन, इस तरीके से बनती तो ठीक था, लेकिन स्पेलिंग कैसे हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, फिनोमिना या फिनोमिनन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पेलिंग किस तरीके से बनी है, प्रोनाउंसिएट किस प्रकार से हुआ है और लिखा किस प्रकार से गया, इट मीन्स कथनी और करनी दोनों में ही यहाँ पर अंतर हमें साफ दिखाई दे रहा है। बोल कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा है, जो लिखा है वो बोला नहीं जा रहा, और जो बोला जा रहा है वो लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए तो इसको नाम दिया है टिपिकल स्पेलिंग्स। नेक्स्ट आप देखिए फिजिकल, फिजिकल की स्पेलिंग PHY से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन इसका हम इस तरीके से तो नहीं कर रहे हैं, फिजिकल, हम इसका प्रोनाउंसिएट कैसे कर रहे हैं, फिजिकल, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट आप देखिए ये स्पेलिंग कौन सी है, एटिक्वेट, इसको कैसे बोलेंगे, एटिक्वेट, इस तरीके से बोल, लेकिन फ्रेंड्स ये स्पेलिंग है एटिकेट की, एटिकेट मीन्स क्या होता है, मैनर्स। तो मैनर्स की स्पेलिंग है, एक तो इसका सिनोनिम मैनर्स है, लेकिन स्पेलिंग देखिए एटिकेट, एटिकेट, इसकी स्पेलिंग कैसे बनती है, एटिकेट, यहां पर मैं लिखती हूं आपके लिए एटिकेट। अब आप इसको मैच कीजिए, ये स्पेलिंग से फॉर्म हो रही है, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हो रही है, ये कैसे करनी है, आपको केवल ध्यान से देखना है। और वीडियो खत्म होने के बाद में
पूरी सीरीज को आप इसी में लिख करके बार बार लिखने की कोशिश करेंगे तब ये आपको लाइफ टाइम के लिए लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट आप देखिए स्क्वायरल। अब ये स्पेलिंग देखिए, इस स्पेलिंग को हम लिखते हैं ऐसे स्क्वायरल, लेकिन इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है यू कैन सी ये SQUIRR या RREL। ये और ये इसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर लिखा कुछ और जा रहा है और लेकिन स्पेलिंग किसी और तरीके से फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट आप देखिए ऑफन, ऑफन की स्पेलिंग है लेकिन स्पेलिंग होती है ऑफ्टन, क्योंकि यहाँ पे टी है, हम क्या बोलेंगे ऑफ्टन, लेकिन आपको ऑफ्टन नहीं बोलना है, इसको ऑफन ही प्रोनाउंसिएट करना है क्योंकि यहाँ पे टी कैसा है हाइड हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं रिदम। अब ये रिदम है, रिदम की स्पेलिंग क्या रिदम जैसी है क्या? बिल्कुल रिदम जैसी है, क्योंकि रिदम में कुछ चीजें हमें समझ में आती है कुछ नहीं आती, सेम थिंग यहाँ पर आपके साथ में हो रही है। रिदम की स्पेलिंग में कहीं पर भी आपको वाई दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे जब आप स्पेलिंग राइट कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में कहीं पर भी आपको बाय दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर बाय आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो टिपिकल स्पेलिंग्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, या हम बोल सकते हैं इंग्लिश का ये बैकबोन होती है। यदि ये समझ में नहीं आती तो लिखने में आपके 101% मिस्टेक होना स्वाभाविक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है, वो क्या बोलती है। नेक्स्ट स्पेलिंग बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, स्पेलिंग कौन सी? मिसलेनियस, इसमें होता है विविध डिफरेंट टाइप के। मिसलेनियस की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, लिखी कैसे गई है, बनी कैसे, मैं यहां पर हिंदी में लिखती हूं मिसलेनियस। अब आप देख सकते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे लिखी कैसे गई है और ये बनी कैसे, तो दोनों में आपको अंतर साफ दिखाई देगा। नेक्स्ट आप देखिए टफ, ये टफ है और ये रफ है, तो यहाँ पे ट को टी बोला गया, र को आर बोला गया, स्पेलिंग दोनों की सेम है, टी ओ यू जी, इसको टफ नहीं बोलना है इसको टफ ही बोलना है, और इसको रफ नहीं बोलना है इसको रफ ही बोलना है। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे इन दोनों में ट और र का अंतर था तो ओ यू जी एस सेम था, लेकिन यहां पर आप देखिए ये हाइट है और ये फाइट है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, यहां पर ई नहीं आएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि जैसे टफ और रफ में टी टी और आर था, इसी तरीके से हाइट और फाइट में एफ वी आई जी एच टी, बिल्कुल नहीं होगा। फाइट की स्पेलिंग एफ आई जी एच टी होगी और हाइट की स्पेलिंग एच ई आई जी एस टी होगी, यहां पर ई नहीं रहेगा। ओके नेक्स्ट देखिए नो, नो की स्पेलिंग ये वाला नो नहीं है फ्रेंड, ये नो कौन सा है, ये वाला है। नो की स्पेलिंग करो, करो नहीं बोलना है इसको, नो ही बोलना है, के एन ओ डब्ल्यू जानना। नेक्स्ट आप देखिए यूनिक की स्पेलिंग बिल्कुल यूनिक जैसी ही है, कहीं से भी बनने का काम ही नहीं है। यू एन आई क्यू यू ई, इसमें यू आपको कहीं दिखाई नहीं देता है, क्यू दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आता ही है। नेक्स्ट आप देखिए सर्कमस्टांस, परिस्थितियां या परिस्थिति, यहां पर एस नहीं है इसलिए परिस्थिति। सर्कमस्टांस, स्टेंस की स्पेलिंग तो एक बार को बन भी जाएगी, लेकिन सरकम की स्पेलिंग बनती ही नहीं है, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आप सोल, सोल मींस होता है आत्मा, सोल लिखते कैसे हैं हम, यू कैन सी सोल, स्पेलिंग देखिए कहीं से बनती है नहीं बनती। तो फ्रेंड्स ये जो स्पेलिंग्स हैं आपके सामने ये तो केवल एक पार्ट है, मैं इसकी पूरी सीरीज आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और इससे क्या होगा, जब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये जो स्पेलिंग से टिपिकल स्पेलिंग से आपको ऑटोमेटिकली लर्न होती चली जाएंगी। बोलने में कहीं पर मिस्टेक नहीं होती, लेकिन लिखने में हमारे स्टूडेंट बहुत सारे टाइम मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को कभी बताया ही नहीं जाता कि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। यदि आप यहाँ पर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो अभी से यदि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपके सामने इस तरीके की कोई पजल्स आएंगे तो आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो केवल हमारी वीडियो का एक पार्ट है, हमने आपके लिए ग्रामर के साथ में बहुत ही अच्छा स्पोकन का कोर्स भी डिजाइन किया है। ग्रामर के कोर्स में जहां 200 से ज्यादा आइटम्स है, यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने दीजिए, जीरंड होने दीजिए, इन्फिनिटिव होने दीजिए, एक्टिव पैसिव वॉइस होने दीजिए, चेंजेस होने दीजिए, इस तरीके के 200 से भी ज्यादा आइटम है विथ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या है, रिपोर्ट राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, एसे राइटिंग है, मोनोलॉग है, प्रोलॉग, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास में हमने राइटिंग पर भी कॉन्सेंट्रेट किया है, और जिसको टफ समझ के सब लोग छोड़ देते हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, आपको कुछ भी नहीं करना है, आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं दी हुई। आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको 2 मेजर कोर्सेज मिलेंगे, स्पोकन का कोर्स होगा और दूसरा कोर्स होगा ग्रामर का। और सबसे अच्छी बात,
बात है, आप दोनों ही कोर्स को चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको इन दोनों के फ्री डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं ये दोनों कोर्स कितने उम्दा किस्म के हैं। तो फ्रेंड, एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूंगी, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए, आपके कुछ सुझाव होंगे वो भी दीजिए, और आपके कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी आप हमें भेज सकते हैं। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच।